हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक और युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस लैंड स्लाइड विक्ट्री हुई है। उन्होंने इस पीछे के दो कारण बताए हैं और कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल में पेंशनर्स को काफी वित्तीय लाभ दिए हैं और कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि समझा। वहीं दूसरा, उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी हिमाचल में 106 रैलियां निकालकर जयराम ठाकुर ने इतिहास रचा है, यही वजह है कि कांग्रेस का प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया है। सोलन में हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक और युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी रैलियों में कहा था कि वे जहां जहां जाएंगे वहां से कांग्रेस को अवश्य लीड मिलेगी, लेकिन वे जहां जहां गए वहां कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता में आते ही कहा था कि वे 25 वर्ष तक अब सत्ता में रहेंगे। उनके कुशल नेतृत्व को देखकर ऐसा लगता है कि वे 25 वर्ष नहीं बल्कि और भी कई वर्षों तक मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक और युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि हिमाचल में भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। उन्होंने इस विजय के दो कारण बताए और कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल के पेंशनर्स को काफी वित्तीय लाभ दे रहे हैं और कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि समझा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद हिमाचल में 106 रैलियां की, जो कि इतिहास रचने वाली थी। यही वजह है कि कांग्रेस का प्रदेश से सुफड़ा साफ हो गया। उन्होंने राहुल गांधी और वीरभद्र को गुरु चेले की उपाधि देते हुए कहा कि दोनों ही हिमाचल में बुरी तरह असफल रहे हैं और जब जब वीरभद्र स्टार प्रचारक बने हैं तब तब कांग्रेस का यही हाल हुआ है और कांग्रेस चारों खाने चित रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, भविष्य में उनके बेटे विक्रमादित्य की भी जमानत जब्त होकर रहेगी, जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से हो चुकी है। गुरु कहा था राहुल गांधी ने कि गुरु है मेरे वीरभद्र सिंह जी। आप देखिए कहां है आज गुरु और चेला, आज ध्वस्त हो गए वो। हिंदुस्तान के अंदर ध्वस्त हो गए, हिमाचल में वीरभद्र सिंह ध्वस्त हो गए। अब अगला जो टारगेट है हमारा वो विक्रमादित्य है। अगले चुनाव में साफ करेंगे, इस परिवार को घर में बिठाएंगे। और ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की बड़ी ताकत है, पेंशनों की बड़ी ताकत है, और हम जो दो हैं हमने पूरे प्रदेश में घूमे, हम गांव गांव गए, हम ऐसा नहीं है हमने एक, हमारे को कुछ नहीं चाहिए सरकार से कि वीरभद्र सिंह जी अगर स्टार प्रचारक ना होते तो इतना सुपड़ा साफ ना होता। लोगों को वीरभद्र सिंह से जेलसी है जो काम ही नहीं किया, अपने घर और परिवार के लिए किया और बाकी तो कुछ किया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। तो उस टाइम हम भी सोचते थे भी बड़ा इन्होंने लंबा चौड़ा यह कह दिया 25 साल, परंतु जिस हिसाब से अब नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर सत्ता संभाली है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है, उस हिसाब से ये 25 साल काट लेंगे, रहेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है उसके दो कारण रहे। हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों, पेंशनों, श्रमिकों, युवा बेरोजगारों ने बढ़ चढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जो जिन्होंने चुनाव के दौरान 106 रैलियां करी और दिन और रात ये भागे रहे, इनके पैर में भी काफ़ी दर्द था, उसके बावजूद भी इन्होंने पीछे नहीं हटे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।